स्वागत है। आज हम कक्षा एक का पाठ 15 मैं भी पढ़ने जा रही हूँ, तो आइए चलिए देखते हैं। मैं भी एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला। लो, मैं अंडे में से निकल आया, बत्तख का बच्चा बोला। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। मैं भी आ गया, चूजा बोला। मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी चलूंगा, चूजा बोला। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी खोदूंगा, चूजा बोला। मुझे एक कैंचुआ मिला, बत्तख का बच्चा बोला। मुझे भी, चूजा बोला। मैंने एक तितली पकड़ी, बत्तख का बच्चा बोला। मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। मैं तैरना चाहता हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी, चूजा बोला। देखो, मैं तैर रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। मैं भी तैरूंगा, चूजा बोला। बचाओ, चूजा डूबते हुए चिल्लाया। बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। अब इसमें पूछा है आगे क्या हुआ हुआ होगा। आगे ये हुआ होगा कि जो इतनी देर से चूजा बत्तख के बच्चे का नकल उतार रहा था, उसकी कॉपी कर रहा था, उसको देख देख के वैसे ही कर रहा था, तो उसे बड़ी शर्मिंदगी हो गई कि मुझे तो तैरना नहीं आता, तो नकल करनी बुरी बात है। तो ये थे कविता। अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं। एक अंडे में से बत्तख का बच्चा निकला, यानी अंडा है बत्तख का, उसके अंदर से बत्तख का बच्चा निकला है। एक और अंडे में से मुर्गी का चूजा निकला। एक और अंडा है जिसमें मुर्गी का बच्चा निकला है, उसको चूजा बोलते हैं। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है, ये चूजा। मैं भी आ गया, चूजा बोला। वो कह रहा है मैं भी आ गया अंडे में से बाहर। मैं घूमने जा रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। बत्तख के बच्चे ने कहा चूजे से कि मैं घूमने जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगा, चूजा बोला। चूजा बत्तख के बच्चे से बोलता है कि मैं भी आपके साथ घूमने चलूंगा। मैं गड्ढा खोद रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। बत्तख के बच्चे ने गड्ढा खोदा और चूजे कहा कि मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। मैं भी खोदूंगा, चूजा बोला। चूजे ने बत्तख के बच्चे की नकल करते हुए गड्ढा खोदा। मुझे एक कैंचुआ मिला, बत्तख का बच्चा बोला। बत्तख के बच्चे ने जब गड्ढा खोदा तो उसमें से उसको कैंचुआ मिला। मुझे भी, चूजा बोला। तो जो कैंचुआ बत्तख के बच्चे को मिला था, उसके साइड वाला हिस्से को उससे पकड़ करके बोला मुझे भी मिला है, चूजा बोला है। मैंने एक तितली पकड़ी, बत्तख का बच्चा बोला। बत्तख का बच्चा बोलता है कि मैंने एक तितली पकड़ी है, ये नहीं तितली। मैंने भी तितली पकड़ी, चूजा बोला। चूजे ने भी उस तितली को पकड़ लिया, वो भी कह रहा है कि मैंने भी तितली पकड़ी है। मैं तैरना चाहता हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। अब बत्तख का बच्चा बोल रहा है कि नदी दिखी तो उसने बोला कि मैं तैरना चाहता हूँ। तो चूजे ने कहा मैं भी, चूजा बोल रहा है मैं भी तैरना चाहता हूँ। देखो, मैं तैर रहा हूँ, बत्तख का बच्चा बोला। अब बत्तख का बच्चा पानी के अंदर तैरने के लिए निकल गया। मैं भी तैरूंगा, चूजा बोला। जैसे ही बत्तख के बच्चे ने पानी में गया,
तो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, क्योंकि उसे तो तैरना आता ही नहीं था। चूजा डूबने लगा, डूबते डूबते चिल्लाया बचाओ बचाओ। बत्तख के बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला। बत्तख का बच्चा तो तैरना जानते हैं, बत्तख तो पानी में रहती है तो वो तैरना जानते हैं, तो उसने चूजे को बच्चे को बाहर निकाला पानी में से। तो अब पूछे आगे क्या हुआ होगा। आगे ये होगा कि वो इतनी देर से बत्तख के बच्चे की नकल कर रहा था चूजा, तो उसको बहुत शर्मिंदगी हुई होगी कि मैं तो इतनी देर से नकल कर रहा था, मुझे तो पानी में तैरना आता नहीं था, इसलिए बिना नकल नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा सोच समझ के काम करने चाहिए। तो ये थी कविता। अब हम इसका कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। चूजा, चूजा होता है मुर्गी के जो छोटा बच्चा होता है ना अंडे में से जो निकलता है उसको चूजा बोलते हैं, चिकन जिसे कहते हैं। गड्ढा, ये गड्ढा है ना, यानी होल। खोदना यानी मिट्टी में से जो वो गड्ढा करते हैं तो उसमें से जो मिट्टी निकालते हैं तो उसको खोदने को निकालने को खोदना कहते हैं। कैचुआ, कैचुआ यानी अर्थवाम। ये कैचुआ होता है ना जो मिट्टी के अंदर रहता है, अर्थवाम बोलते हैं उसे। तितली, तितली यानी ये जो दिख रही है बटरफ्लाई। तैरना, तैरना यानी पानी में जो स्विमिंग करते हैं ना तैरते हैं। डूबते, डूबते माने पानी के अंदर डूब जाना। तो ये थे इस कविता के कुछ कठिन शब्द। अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। नाम दो। चूजा बार बार बत्तख के बच्चे की नकल करता रहता था, उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो। तो हम इसको बोल सकते हैं नकल कर रहा है तो वो नकलची हो गया। ना का ल ची, नकलची बन चूजा हो गया। क्या डूबेगा क्या तैरेगा, इसमें से पानी का दिखाया गया टब में, और बताइए इसमें क्या डूबेगा और क्या तैरेगा। पत्ता पानी में तैर जाएगा, चौक डूब जाएगी, पत्थर डूब जाएगा, लकड़ी तैरेगी। करके देखो और निशान लगाओ, करके देखना और निशान लगाना है। चौक, चौक पानी में डालेंगे तो डूब जाएगी, क्योंकि चौक भारी सी होती है ना तो पानी के अंदर डूब जाएगी, तैरेगी नहीं। पत्थर, पत्थर पानी में डूब जाएगा। डूब जाएगा। रुई पानी में तैरेगी, कागज भी पानी में तैर जाएगा, टहनी भी पानी में तैर जाएगी, पेंसिल, पेंसिल भी पानी में हल्की होती है, डूब भी सकती है और तैर भी सकती है। छलनी, छलनी यानी छीलने वाली शार्पनर, वो पानी में डूब जाएगा। सॉरी ये तो तैरने पे आ गया। ये तो ये थे कविता
इस कविता के प्रश्न के उत्तर आशा है आपको समझ में आएंगे।